हाँ जी, तो आज हम आपको लेग का वर्कआउट दिखाएंगे। और ये पहले थोड़ी सी शोशा मार लें। हाँ जी, डोला चोला बना हुआ छोटा माड़ा मोटा। और अब आपको हम आज आपको लेग का वर्कआउट बताएंगे। सबसे पहले स्क्वाट है। स्क्वाट्स के आपने लगानी है 3 सेट, ठीक है। इतना वेट लगाना है कि जितना आप फुल रेंज ऑफ मोशन से नीचे जा सकें और ऊपर आ सकें, ठीक है। बेल्ट भी लगा सकते हैं, बेल्ट लगा लें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि लोअर बैक पे भी जो वेट आता है उसका पेन नहीं आपको होगा। इसके 3 सेट करने हैं आपने, ठीक है। प्रॉपर फॉर्म से करने हैं, प्रॉपर नीचे जाना है, ऊपर आना है, ठीक है। मैंने वेट 30 kg एक साइड पर लगा हुआ है, 30 kg एक साइड पर लगा हुआ है। और इस रॉड का अपना ही बहुत वेट होता है। ये जी दूसरी है लेग एक्सटेंशन, ठीक है। ये आपने ऊपर तेज़ लेके आना और नीचे स्लो स्लो लेके आना है, ठीक है। इसके भी आपने 3 सेट लगाने हैं। इसके बाद आ जाती है जी हैमस्ट्रिंग। हैमस्ट्रिंग के आपने लगाने हैं 3 सेट। ये हैमस्ट्रिंग है जी, फुल रेंज ऑफ मोशन। इसमें आपने जो है ना, क्या कहते हैं, इसको थोड़ा अप करके रखना है। और इसके भी आपने 3 सेट लगाने हैं। कोशिश कराया करें कि लेग के वक्त जब आप जिस दिन आपका लेग डे, उससे पहले आप कोई बनाना वगैरह खा लें, ताकि उससे आपके जो एनर्जी लेवल है वो बूस्ट हो जाता है और आपका जो स्टेमिना वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। ये इंस्टेंट एनर्जी के तौर पे भी आप बनाना को खा सकते हैं, ताकि आपके जो स्टेमिना वो बूस्ट हो सके। ये हैमस्ट्रिंग है, पहले हमने दोनों फ्रंट के लगाए थे, अब ये हैमस्ट्रिंग है। हैमस्ट्रिंग के भी आपने दो दो गेमें हर सेट की करनी है, फ्रंट की, हैमस्ट्रिंग की और इनर पार्ट की। ये भी हैमस्ट्रिंग की है, इसमें भी आप प्रॉपर नीचे जाएंगे, ठीक है, जैसे मैं जा रहा हूँ, और प्रॉपर ऊपर आना है आपने, ठीक है। कोशिश करें कि इसमें भी हल्का सा आगे आप लीन हो, मतलब बेंड हो, ठीक है, ताकि आपका पूरा का पूरा जितना स्ट्रेस है वो सारा का सारा आपका हैमस्ट्रिंग के ऊपर है। और ये हैमस्ट्रिंग की सबसे बेस्ट गेम है। अक्सर लोग इसमें, कुछ लोग रॉड भी यूज़ करते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग डंबल यूज़ करते हैं, क्योंकि डंबल कंफर्टेबल रह जाते हैं। लेग्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जी। कुछ गलतियाँ हमसे भी हुई थी स्टार्ट में, हम भी लेग्स नहीं लगाते थे, लेकिन अब लगाने शुरू किए हैं। इसके जो 3 एंगल बताए हैं, जो क्लोज है वो आपका फ्रंट पार्ट को हिट करता है, जो आप वाइड कर लेते हैं ये आपके इनर पार्ट को हिट करता है लेग के, ठीक है। और ऐसे ही अगर आप इसको ऊपर लेके आते हैं तो ये आपके ग्लूट्स को टारगेट करते हैं, ठीक है, ग्लूट्स को। इसलिए हमने इनर पार्ट के लिए गानी है, तो हम इनर इसको वाइड कर लेंगे, ठीक है। इसमें आपने फुल रेंज ऑफ मोशन जो होती है इसकी, जितना नीचे लेके आएंगे आपकी स्ट्रेंथ बढ़ती है। कोशिश करें कि इसमें आपने लेग को बिल्कुल सीधा नहीं करना, क्योंकि जब आप सीधा करते हैं आपके इंजरी के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो कोशिश करें कि फुल सीधा ना करें, ठीक है। और अगर आपने तो इनर की लगानी है, तब आप ये एंगल रख सकते हैं। अगर आपने फ्रंट थाई को हिट करना है, तो उसके लिए आप क्लोज करेंगे, जैसे मैंने फर्स्ट पहले बताया है, ठीक है। उसके बाद ये आ जाती है, ये भी इनर के लिए, ये जो मशीन की इंस्ट्रक्शंस थी कि कैसे कैसे आपने किस किस एंगल पे कौन कौन सा मसल हिट करना है, इसलिए हमने इनर को हिट करना है, तो हम इसको ऐसे परफॉर्म करेंगे, ठीक है। और ये इनर के लिए बेस्ट एक्सरसाइज है। तो लेग का वर्कआउट जो है, वो जो लेग है उसमें ये इनर है, फ्रंट है और हैमस्ट्रिंग है, ठीक है। ग्लूट्स के भी मसल आते हैं, लेकिन जब आप हैमस्ट्रिंग को हिट करते हैं, ग्लूट्स भी कहीं ना कहीं आपका हिट हो ही जाता है, ठीक है। और ये मशीन बहुत मज़े की है, इसमें कीगल एक्सरसाइजेस भी हो जाती हैं, और लास्ट पे जो हमारी गेम आ जाती है, काप्स, गैस्ट्रोनिमियस मसल,
छोटा मसल है लेकिन छोटी छोटी मसल जो है उनको ट्रेन करने में बड़ी मुश्किल हो जाती है हमें, जैसे कॉब्स हो गया, उसके बाद फोरआर्म हो गया, ये छोटे छोटे मसल नहीं है हमें आके जाके बहुत मुश्किल पेश आ जाती है इनको, इनके मसल को जो है ना फिट करने के लिए। और आज का जो लेग का वर्कआउट है वो इधर ही हम एंड करेंगे। तो ये एक छोटा सा मिनी व्लॉग था, ये न्यू बिगनर्स जो गेम करते हैं उनके लिए बेस्ट है। तो लिहाजा अभी के लिए खुदा हाफिज़।